और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए, ये जो हमारा सिग्नेचर ब्रिज है, जब से मैं सांसद बना हूँ तब से ये सिग्नेचर ब्रिज से हमेशा एक नया आश्वासन आ जाता है। अब बस साल भर, अब बस 6 महीना, अब बस 4 महीना। जब हम सांसद बने थे तो इस ब्रिज का बजट था 1100 करोड़ रुपया। मैंने उनसे पूछा कि जब ये ब्रिज शुरू हुआ था तो कितना बजट था, आपको जान के आश्चर्य होगा, इस ब्रिज का बजट था 450 करोड़। और 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने तक इसका बजट कर दिया गया था 1130 करोड़। हमें लगा कि अब ये कम से कम 1130 करोड़ में जमुना पार का एक बड़ा जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम हर बजट को घटा देते हैं पहले से, उन्होंने 1130 करोड़ को 1500 करोड़ कर दिया। और 1500 करोड़ करने के बाद भी अभी भी उस पुल के पूरा होने का कुछ निश्चित समय नहीं बताया जा रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप तो कहते थे कि हम बजट घटाते हैं पुल का, ये 1130 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच का गड़बड़ क्या है, और ये पुल कब बनेगा, क्यों इसको नहीं बन रहा है, इसका जवाब दे। क्योंकि ये पुल यमुना पार का एक बड़ा दरवाजा है और लोगों के चैन से आने जाने का साधन है। इसके कारण जो स्थिति है इस क्षेत्र की, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसलिए हम इसको आज धरना रखे कि लोगों को बताएं कि ये दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा बनाया जाने वाला पुल 450 करोड़ से 1500 करोड़ का हो गया, अभी ये कितना खाएगा, और अरविंद केजरीवाल जी इस पे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने आज इसके खिलाफ एक प्रदर्शन किया है, ये क्या आगे भी लगातार जारी रहने वाला है? निश्चित रूप से आज एक रस्म आएगी है। निश्चित रूप से, जब राष्ट्रपति शासन था, हमने इस पुल का दौरा किया था, तब अधिकारियों ने बोला ये 1 साल 4 महीने में बन जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इस पे आने के बाद 500 करोड़ रुपया बढ़ा चुके हैं। इस 500 करोड़ का क्या हुआ और ये पुल क्यों रोक दिया गया, ये मैं सवाल करना चाहता हूँ। ये सिर्फ यही नहीं करूँगा, हम इसको अपने यमुना पार के एक एक वार्ड तक ले जाएंगे ताकि जनता केजरीवाल जी से हिसाब मांग सके।